क्या बन रहा है भाई आज? हमने खा लिया पनीर की भुर्जी बनाई है भाई, ये तेरे हिसाब। ये पूरी मैं थोड़ी सी खाऊंगी। अच्छा आज उठते उठते लेट हो गया, 9:15 उठी हूँ, टाइम हो गया 9:30। शर्म ही नहीं है मुझे कुछ, है ना मम्मा? है ना मम्मा? कोई बात नहीं। रात ना मौसम बड़ा अच्छा सी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? वेलकम टू टुडेज व्लॉग, स्वागत है आपका। आई होप तो सारे बढ़िया हो गए, टाइम हो गया है। आज तो कुछ नहीं पता चला गाइस, 11:30 होने वाली, क्योंकि उठते उठते बड़ा टाइम हो गया। रात को क्या किया यार, रात को मौसम तो एकदम तूफान, बादल, बिजली, सब कुछ एक बार चमक रहा था। तो अभी जस्ट नहा के आई हूँ, अर्शी गई है नहाने वगैरह। बाहर तो यार इतनी ठंड लग रही है, अंदर नहीं लग रही। मम्मी बोलती स्वेटर पाऊँ, क्या नहीं, मैं नहीं लग रही अंदर। बाहर देखें तो यार आप देख सकते हो धूप निकली है, पर ये अच्छा लग रहा है मुझे मौसम एज कम्पेयर टू गर्मी। अर्शी कितना नहाओगी? पूरे हफ्ते का। गाइस शुभ दिन आया, अर्शी जी नहाने गई हैं। ये अवसर कभी कभी सुनने और देखने को मिलता है, इसलिए मेरा ला कंफर्म कर लूं नहा भी रही है कि। ओहो हो हो, सुबह सुबह कपड़े प्रेस, सुबह बहुत पड़े हुए हैं। कितना मैच लगे था आज? देख रहा हूं, नाले कपड़े प्रेस कर रहा हूं। फिर तो टाइम निकल जाता है, फिर नहीं पचलता है ना। कितना मैच लगे था? पाकिस्तान एंड बांग्लादेश का लगा हुआ है। कौन जीतेगा? पाकिस्तान जीत जाएगा। पापा ठंड कर दी थी तुसी। उसके बाद लगेगा इंडिया का और जिम्बाब्वे का। आज ही इन दोनों? वाह यार, आज तो आपका पूरा डे अच्छा निकल गया। पापा लगे हुए अपने काम, अर्शी अभी आती है तो मिलवाती हूँ, मम्मा भी इधर आ रही हैं। तो गाइज आज हम कवर करने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो कि लड़कियों के लिए नहीं लड़कों के लिए भी यूजफुल हो सकती है, क्योंकि ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। ओह माय गॉड, ये कौन आ गया इधर? आओ। वाओ, ओह माय गॉड, ये खत्म हो चुका है, समझ नहीं आ रहा 1450 खर्चे कौन। एक दूसरे तो गाइस को क्या बोल रही है? गाइस देखो 2000 सब्सक्राइबर हैं सारे, एक एक रुपया भी डिनोट करते हैं तो 2000 रुपया बन जाता है। अर्शी क्या बोलती है? मेरे पास है पैसा। तो फिर नाटक क्यों कर रही है इतना? इधर दो यार, क्या बना है देखते सही। तो गाइस आज बनी है धोती मूंगी की दाल, साथ में वेजिटेबल भी है। तो टाइम देखो 1 बजने वाला है, तो थोड़ी देर में करेंगे लंच। मेरे बाल सूख भी गए, सच बोल गाइस, मेरे बाल ना 7 से 8 घंटे लगाते हैं आठ। और इसे देखो। हेलो गाइस, आज लंच कर लो। बड़ा कुछ है दाल, अभी मैंने डालनी है, मैंने मिर्ची भी लिया है, मिर्ची खाऊंगी आज मैं, भी लगा दिया। अर्शी सो गाइज हमने कर लिया लंच एंड बहुत मज़ा आया यार, शांति मिल गई आत्मा को, इतनी भूख लगी थी एंड मज़ा भी आ गया। तो गाइज अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं यार, है ना, क्योंकि बाहर मौसम बड़ा अच्छा है। जाएंगे एंड शाम को आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही जानकारी का कंटेंट, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल साबित हो सकता है। तो गाइज मैं बनाने लगी हूँ चाय, 1:15 जा रही हूँ अभी। तो देखो ये तो हम 6 बजे चाय पीते हैं। हाय गाइस, तो कल मैंने उस चीज़ के रिगार्डिंग बोला था कि मेरी एक्ने, मतलब कि कैसे मैं इस चीज़ में हेल्प, जो चीज़ें मुझे कर रही हैं इसको ट्रीट करने में, तो काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए थे कि नहीं आप बताओ जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैं इस चीज़ को शुरू करती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था कि आगे मैडम तो मेरी एक्ने, जैसे आपको पता है, मैं सुनू ना इसकी कहानी। तो एक्ने जो है वो टीनेज की जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि मुझे जो एक्ने है वो हार्मोनल एक्ने है। तो मेरे को क्यों होती है फिर? मेरे को क्यों होती है? तेरी डाइट बड़ी अच्छी है ना, इसलिए आपको होती है। तो ये बड़ी चीज जो सबसे ज्यादा मिथ है कि आप हार्मोनल एक्ने पूरी खत्म कर सकते हो, दिस इज मिथ। एक्ने कभी भी ठीक नहीं हो सकती, आप बस उसको प्रिवेंट कर सकते हो अपनी एक बेटर स्किन केयर अडॉप्ट करके। उसको आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा चीज़ को सप्रेस कर सकते हो, कम कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको पिंपल्स होना बंद हो जाएंगे। एक टाइम पे मेरा फेस पूरा साफ भी हो गया था, बट वो फिर से आ गए थे। स्किन कंसिस्टेंसी जो है वो ये नहीं, कुछ लोग सोचे यार किता तो सी पूरा मुँह साफ भी होया सी वापिस आ गए, छड़ परे, ये नहीं करना, ऐसे करो, नहीं करती हूँ ये नहीं करना। ठीक है साफ हो गया था फिर से एक्ने आ गया, बट आप उस चीज को कंटिन्यू रखो, उसमें कंसिस्टेंट रहो, तो वो खुद चले जाएंगे, आपको वो चीज फील भी होगी। इसे देख सकते हो मेरे एक्टिव एक्ने जो आते हैं वो पूरे खत्म हो चुके हैं, बस उनके मार्क्स रह गए हल्के हल्के, वो भी ठीक हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता।
बट जो थे कि बड़ी ज्यादा मुझे इन्फ्लेमेशन हो जाती थी, इकट्ठे इकट्ठे 10-12 एक्ने आते, वो एक्टिव एक्ने कम हो गए, निकलेंगे, एक निकलेगा, दो निकलेगा, फिर मैं उसको टाइम दूंगी, फिर थोड़ा हीलिंग प्रोसेस शुरू होगा। बड़े सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया था। सबसे पहले बताती हूँ कि मतलब हर एक रिलेटिव जो होता है ना, मुझे देख के बोलता है उसनों दस उन बेचारों को भी मेरी कंडीशन ही दिखी जाती थी आने के लिए। बट उन्होंने कहा कि बेटा आपको दवाई हम दे ही नहीं सकते हैं, ये चीज आपकी हम ठीक ही नहीं कर सकते हैं। बस उन्होंने मुझे दो ऑइंटमेंट दी थी जिसका मैंने यूज किया और वो एक तरफ से ठीक भी थी, वो एक्ने प्रिवेंशन की है थोड़ी ऑइंटमेंट्स, तो उन्होंने बस वो दी थी। लेट्स स्टार्ट दिस होल जर्नी, कहाँ से क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या चीज़ें मुझे गलत भी लगी और क्या क्या चीज़ें ये सही लगी। सबसे पहले तो मैंने एक्ने को ठीक करने के लिए पहले मैं क्या करती थी कि एक्ने हो गए हैं तो उसके लिए मैं क्या करती थी कि जैसे हम पढ़ते थे कि सैलिसाइक्लिक एसिड, ये एसिड, वो एसिड एक्सफोलिएशन में हेल्प करते हैं, तो बड़ा ज़्यादा है ना दो दो तीन तीन बार स्क्रब करना कि नहीं नहीं अगले हफ्ते चल जाएंगे, अगले हफ्ते चल जाएंगे। बट उससे क्या होता था, आप सोचते हो एक तरफ से कि आप एक्सफोलिएशन कर रहे हो तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी, बट उससे आपका एक स्किन बैरियर जो होता है वो पूरा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से अगर जो एक्ने नहीं आने थे वो भी आना शुरू हो जाते हैं। बॉडी का एक पर्टिकुलर पीएच होता है, हर एक चीज़ का पर्टिकुलर पीएच है, तो स्किन का भी एक नॉर्मल कंडीशन के लिए पर्टिकुलर पीएच है। तो जब हम एक्सफोलिएशन बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो एसिडिक नेचर उसको प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से अन नॉर्मल कंडीशन में जब वो नहीं रहती तो वो हमारा अनफेवरेबल कंडीशन जब आती है तो और ज़्यादा वो ट्रिगर होने पड़ जाती हैं चीज़ें। कैसे बताइए सर, बता मुझे। तो इसलिए सबसे पहली गलती जो मेरी थी कि एक्सफोलिएशन बहुत ज़्यादा करना, उसके बाद से मैंने क्या करना शुरू किया, अगर पिंपल आया उस पे जो ट्यूब्स जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बता दूंगी, उसको एज इट इज़ रहने दिया, उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइज़र जो है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, अनटिल और अनलेस कि आपको बड़ा ज़्यादा ड्राई फील हो या कुछ हो, हल्का सा लो और वो यूज़ कर दो। मैं पर्टिकुलर यूज़ नहीं करती थी, मैं सिर्फ ये एसेंस जो आपको पता है मैं बस ये यूज़ करती थी क्योंकि मेरी स्किन इतनी ड्राई नहीं होती। थर्ड वन जो है वो है कि अगर आपकी स्किन है तो आप उस चीज़ को लिमिट करो कि आप जो हेड मसाज, हेड ऑयलिंग वगैरह करते हो वो थोड़ा एक कम कर दो एक एक्सटेंट पे, क्योंकि मुझे एक डॉक्टर ने कहा था कि वो चीज़ भी जो है वो स्किन में पर्सनली भी जब बहुत ज़्यादा करती थी इसको बहुत ज़्यादा आ जाते थे पिंपल्स, अब इसने कम किया तो वो जो है वो स्किन में क्या होता है कि वो आपके पोर्स क्लॉग कर देते। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, जो मैंने एक टाइम पे पीना शुरू भी किया था बट उस पर ब्रेक लग जाती है। मैं यूनिवर्सिटी में बहुत पीती थी, मैंने छोड़ ही दिया पीना, वो ब्रेक लग जाती है, वो मैं अभी भी नहीं पी पा रही हूँ, बट हाँ पानी काफी ज्यादा पीना चाहिए। और डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं कि उसका यूज बिल्कुल मिनिमम करना चाहिए। अपनी स्किन केयर जो है वो कंसिस्टेंट रखो उस चीज को, आपको एक्ने आ रहे हैं जा रहे हैं नो मैटर, इस चीज़ का कुछ भी उस चीज़ से लेना देना नहीं है। आप जैसे क्लींजर यूज़ करके फेस वॉश यूज़ करते हो है ना, फिर उसके बाद आप टोनर या कुछ अगर लगाते हो तो ठीक है, नहीं तो आप मॉइस्चराइज़र जो है वो हल्का सा यूज़ कर सकते हो अगर आप टोनर यूज़ कर रहे हो। और उसके बाद सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो लाइट्स हैं, हमारे जो लैपटॉप्स हम फोन यूज़ करते हैं उनकी जो लाइट्स है वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। मेरी कुछ पिक्स हैं जिसमें सबसे पहले में पूरे मुझे जो चीक्स थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गई थी, मतलब कि एक साथ कट्ठे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे, हो गया था बड़े ज़्यादा, और इसको जाने में एटलीस्ट मुझे 1 या 1.5 मंथ लगा था। इसको मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस सिंपल फेस वॉश करती थी, ऑइंटमेंट है बस वो लगा दी, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना क्योंकि उसकी वजह से ये चीज़ आपकी ट्रिगर होगी। स्पॉट्स पे बस लगाती थी और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुद चली जाती थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मैं बेसिक ऑइंटमेंट इस प्रोसेस के लिए यूज़ कर रही हूँ, एक ये है, ये दोनों क्लिंडामाइसिन कॉम्पोजिशन है इनकी, एक दिन सुबह मैं ये लगाती हूँ, एक दिन सुबह मैं ये लगाती हूँ। ऑइंटमेंट यूज़ करती हूँ वो बेंजोइल पेरोक्साइड है, और ये जो ऑइंटमेंट्स हैं ये ऑल ओवर फेस नहीं अप्लाई करते हैं, ये सिर्फ इफेक्टिव जहाँ पे जैसे आपको दिख रहे कि ये पिंपल है तो यहाँ पे लगा दीजिए, है वो ऑइंटमेंट का ही यूज़ कर रही हूँ फिलहाल। मैं कुछ भी ओरल इनटेक नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक बार 3-4 महीने का कोर्स शुरू किया था एंटीबायोटिक्स का, वो मेडिसिन थी पिम्पल्स के लिए, बट उसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा स्किन जो हो गई थी वो ड्राई हो गई थी, मेरे लिप्स जो थे वो पूरे ड्राई हो गए थे, मैंने एंटीबायोटिक लेना इसके लिए बिल्कुल बंद कर दिया। हाँ, और ये एसेंस है, और एसेंस के अलावा आप कोई भी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर आप कोई भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा मतलब कि वीकली मैं क्या करती थी, मुझे इफेक्टिव भी लगी,
पंसारी की जो शॉप होती है उससे मुल्तानी मिट्टी जो होती है उसको आप रात में भिगो के रख दो कच्चे दूध में, तो वो जब मैं वीकली लगाती थी फेस पैक तो वो भी काफी ज्यादा इफेक्टिव था। और पंसारी की दुकान की हल्दी होती है वो भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हल्दी कहते हैं उसको, काफी ज्यादा हेल्पफुल थी। तो सिर्फ हम बेटर कर सकते हैं ये नहीं कि रोक सकते हैं, है ना। बट ये थी कि अगर मैं इन सब में से कुछ भी ना कर रही होती तो उसकी और बुरी हालत होती, जैसे पोर्स बन जाते हैं, खड्डे पड़ जाते हैं। कल मेरी एक्ने ऑलमोस्ट चल गए हैं बट पिगमेंटेशन है, तो पिगमेंटेशन के लिए मैंने विटामिन सी और नियासिनामाइड के बारे में काफी ज्यादा सुना है वो, पर मैं अभी ऑर्डर करूंगी वो आफ्टर सम टाइम, उस चीज को यूज करने के बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि मेरी पिगमेंटेशन में कुछ फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। हमें एक अच्छा खाना चाहिए होता है, वैसे स्किन के लिए भी अच्छी क्वालिटी की डाइट जो है वो नेसेसरी है। जैसे अपनी डाइट में ज्यादा क्वांटिटी ऑफ फाइबर्स, कुकम्बर, ये सब चीजें जो है वो एड ऑन करो। तो आगे गाइस बताते जाएंगे क्योंकि दो तीन प्रोडक्ट्स हमें और मंगाने हैं और हमने सोचा है कि बहुत ज्यादा हाइप है उनकी कि एकदम चेंज कर देते हैं जिस बात हालात, तो वो अगर हमें अच्छे लगेंगे तो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। यार बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था इसलिए हमने ये शेयर की ताकि, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारी लड़कियों को, लड़कों को भी होती है, तो आप भी ये चीजें अवॉइड एंड इनटेक कर सकते हो। कहाँ जा रहे हो यार? हम कहीं जा रहे हैं, तेरे को ले जाना था, तेरी मीटिंग है बुलाने। क्या यार तीनों जा रहे हो, मेरे को ले चलो। दीदी वाओ, आउटफिट बता दो आज का। ये देखो और मुझे भी ले चल। अब मैं कैसे ले चलूं, तेरा काम है, बीमारी है। गाइस मुझे काम खा गया है। सो गाइस मम्मा पापा अर्शी गए हैं कहीं फंक्शन पे एंड मेरे को बोल रहे थे, बट मेरे को यार मैंने काफ़ी दिनों से टाइम दिया हुआ है एक मीटिंग के लिए तो वो मैं मिस नहीं कर सकती थी, फोन करके काम करने लगी हूँ एंड फिर कुछ देखते हैं, खाना भी बना हुआ है, कुछ ऑर्डर करना हुआ तो ऑर्डर करूँगी, कुछ मन कर रहा है तो देखते हैं फिर। सो गाइज मेरी अर्शी दीदी आ गई है वापस और इसने बहुत टाइम लगा दिया, ये कोई 11:30 तक वापस आई है तो फिर मेरी आंखें नहीं खुली। मम्मी पापा भी ऐसे थके हुए थे, मतलब क्या कैमरा लेके जाऊं अच्छा नहीं लगता, तो यही हम व्लॉग की एंड करते। तो आज गाइस व्लॉग में यही था कि अपनी जल्दी जल्दी से जाके एक्ने को प्रिवेंट करो, ट्रीट करो, खत्म तो नहीं कर सकते। देखो मैं अभी भी स्पॉट्स पे लगा के आई हूं, तो ये मैम पूरा रूटीन फॉलो करती है, आप भी जल्दी जाके करो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहो, मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।